अब नए वीडियोस देखिए हर वेडनेसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बैगन की सब्जी। इस सब्जी को हम बिना किसी मसाले के बनाएंगे। इसमें बैगन के साथ गोभी, मूली, पालक सब कुछ डालेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी है। आप इस तरह से इस सब्जी को जरूर बनाएं। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg बैगन। बैगन को लंबे पीस में काट ले और थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर छोड़ दें। 250 ग्राम पालक। पालक को बहुत बारीक न काटे। 4 से 5 मीडियम साइज आलू। आलू को भी लंबे काट लें। 250 ग्राम गोभी। गोभी को बड़े पीस में काट लें। 2 मूली, इसे गोल काट लें। 100 ग्राम मेथी। अगर गोभी के पत्ते मुलायम हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से लें। 3 बड़े थोड़े कच्चे टमाटर को गोल काट लें और धनिया पत्ती और 2 से 3 बड़े चम्मच लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट। कढ़ाई को गरम कर लें। जब कढ़ाई गरम हो जाए तब 3 बड़े चम्मच सरसों तेल डालें। तेल गरम हो जाए तब 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालें और 1 सूखी लाल मिर्च डालें। जब मेथी चटक जाए तब आलू डालें। आलू को 2 से 3 मिनट तक भून लें। अब गोभी डालें। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भूनें। एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डालें और 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। अच्छे से मिला दें। अब 2 बड़े चम्मच लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट डालें। इसे 2 मिनट भूनें। अब बैगन डालकर मिक्स कर दें। अब पालक डालें। गोभी के पत्ते को काट के डालें। अगर पत्ते मुलायम हैं तभी डालें। अब मूली डालें। हरी मिर्च को काट कर डालें। अब टमाटर डालें। इस सब्जी में हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। इसे लो फ्लेम पे ही बनाएंगे जिससे सब्जी अपने ही पानी में पके। अब ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। अब ढक्कन हटाएं और स्वाद अनुसार नमक डालें और ढककर लो फ्लेम पे छोड़ दें। बीच बीच में ढक्कन हटाकर नीचे से चला दें। यहाँ पर कैमरे में भाप की वजह से दिख नहीं पा रहा है। जब सब्जी आधी पक जाए तब इसमें मेथी के पत्ते डालें और ढककर लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब सब्जी को हल्के हाथों से मिला दें। भाप की वजह से कैमरे में सही से नहीं आ पाया है। अब लास्ट में धनिया पत्ती डालें। धनिया पत्ती यहाँ पर ज़्यादा डालें। अब सब्जी बनकर तैयार है, वो भी बिना किसी मसाले के। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी है। आप इस तरीके से एक बार बैगन की सब्जी बनाएं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।